अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। व्यूवर्स, जो आज हमारा टॉपिक है, बैंक अलबलाद में अकाउंट किस तरह ओपन करते हैं। मोबाइल फ़ोन पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ 5 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जी। ये बैंक अलबलाद की एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, ये आपको मिल जाएगी ईज़िली। उसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद फर्स्ट पेज आपके पास ओपन होगा, ये वाला ज्वाइन अस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जी ये गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे भी आपने ये टिक करके जो बॉक्स खड़ा है इसे नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी इकामा आईडी और फ़ोन नंबर जो ऑप्शन पे है आपका और डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंट्स पे है वो आपने देनी है। और उसके बाद आपके पास आएगा एक ओटीपी सिम पे, वो ओटीपी आपने यहाँ पे इंटर करना है। हाँ जी, और ये याद रखें कि अकाउंट बनाने के लिए आपका नेशनल एड्रेस रजिस्टर्ड होना लाजमी है और जो आपका अक्षर पे मोबाइल नंबर है वो भी रजिस्टर्ड होना लाजमी और वो भी अकामा पे हो। यहाँ पे अपनी डिटेल देंगे जी, मिस्टर और आप शादीशुदा हैं, डिवोर्स्ड हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं, और एजुकेशन की भी आपने यहाँ पे देनी है। इंटरमीडिएट दे दें, यूनिवर्सिटी दे दें, जो मर्जी दे दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ जी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डन का बटन प्रेस करेंगे जी। उसके बाद आगे चलेंगे, ये देखते रहें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़। उसके बाद ईमेल आपने और आपकी रिहाइश क्या है, परमानेंट किस कंट्री से है वो देना है आपने। मैं पाकिस्तान से कर दे रहा हूँ जी। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ, आप किस सिटी में पैदा हुए थे, सियालकोट। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इंग्लिश। और उसके बाद आप सऊदी अरब में किस सिटी में रहते हो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी जुबेल, मैं जुबेल में होता हूँ, जुबेल का लिख के। और ब्रांच नेम का कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो लिखे नेशनल एड्रेस ये वाला क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने नो कर देना, ठीक है जी। यहाँ पे जो आगे ऑप्शन आ रहा है ये नो करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये तीन ऑप्शन आएंगे, तीनों को नो करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपने फर्दर अपनी डिटेल देनी है। और यहाँ पे वर्क इन्फॉर्मेशन भी देनी है, वर्क इन्फॉर्मेशन में आपने प्राइवेट एम्प्लॉयर का नाम, पोजिशन यहाँ पर आ रहे हैं मुझसे, इनमें से दे सकते हैं अदर लिख के भी, इनके अलावा कोई और, इनमें से अगर आपका कोई सर्च होता है नाम आता है तो वो दे दें, वरना अदरवाइज़ आप अदर लिख दें कि इनमें से नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर का जो नाम है वो भी आप देंगे, कंपनी का नाम है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पर्ल इंडेक्स, ठीक है जी। ये मेरी कंपनी का नाम है, यहाँ में मैंने अपनी कंपनी का नाम लिख दिया। इसके बाद जी आगे चलें, पोजिशन आपकी पोजिशन कौन सी है, कोई जो आपकी पोजिशन है आपको इंटर करें, जैसे अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, या जो कुछ भी है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ सुपरवाइज़र, तो कोशिश करें अच्छा सेलेक्ट करें ताकि आगे जी बिजनेस सेक्टर, ये सेक्टर किस चीज़ के बारे में,